हे व्हाट्सअप गाइस, आज हम आपको दिखाने वाले अपना कॉलेज जहाँ पे हम लोग रहते हैं, एस करते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं और साथ में कुछ और भी करते हैं। ये हमारे सीनियर भैया हैं जो हमें मदद करते हैं पढ़ने लिखने में और कुछ जो भी हो आप समझ ही जाते हो। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। आप देख सकते हैं मेरे सारे क्लासमेट आ चुके हैं, ये आपको दिखाएंगे आज मेरा कॉलेज। सबसे पहले हम कॉलेज दिखाने से पहले आपको कुछ दोस्तों का रूम दिखाने वाले जो वो अभी क्या कर रहे हैं, तो चलो सबसे पहले हम वो दिखाते हैं, उसके बाद हम कॉलेज दिखाने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देख सकते 119 और ये मेरा दोस्त उसका रूम खोलेगा। देख सकते आप क्या करने वाले दिवाकर, देख सकते ये दिवाकर यहाँ पे गायब है, जो एक यूट्यूबर है और गेमिंग का चैनल बनाता है। ये मेरे प्यारे दोस्त हैं जो अभी सोए हैं, अभी पढ़ के आए हैं, बेचारा सोए में या कुछ कर रहे हैं आपको हम दिखा देते हैं। देख सकते आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। दोस्तों हम फिर से दूसरे दोस्त के पास आ चुके हैं, देख सकते हैं आप उसका रूम नंबर 113 है, वो भी एक यूट्यूबर है, तो पहले उस पर देखते हैं क्या कर रहा है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे चंदन भी नहीं है, वो भी फ्लो पे, यार सारा का सारा गायब। आप यहाँ पे देख सकते हैं बेचारा का बैग फेंका हुआ है और वो गायब है। देख सकते हैं ये लोग कितना पढ़ते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? दोस्तों हम फिर से एक दूसरे रूम में आ चुके हैं, लास्ट रूम है और उसके बाद हम आपको कॉलेज का पूरा लिस्ट दिखाने वाले। देख सकते हैं रूम नंबर 17, ये बेचारा खोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो सो चुका है, यार सो चुका है। आप ये है मेरे प्रीतम जी, देख सकते हैं ये क्या कर रहे थे आप यहाँ पे, इसके मोबाइल ओ बात कर रहे थे भाई साहब, हमको लगा पढ़ रहे होंगे। ये सारे इंजीनियर हैं, देश के भविष्य हैं। देख सकते ये सो रहे थे डबल बेड पे, यार हम लोग को एक नहीं मिला इनको, देखिए डबल बेड। दोस्तों ये है अपना प्यारा सा हवेली जहाँ पे हम लोग रहते हैं, एंजॉय करते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो फाइनली हॉस्टल घूम लेने के बाद अब हम चलते हैं कॉलेज की, और कॉलेज में जाके दिखाते हैं आपको क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो कॉलेज, और ये कॉलेज का फाउंटेन साइड है जहाँ से हम आप वीडियो बना के दिखा रहे हैं। अभी तो छुट्टी हो गया है इसलिए सारे बच्चे चले गए हैं और कुछ बच्चे वहाँ पे देख सकते हैं आप घूम रहे हैं और कुछ मेरे साथ ही जाके ब्लॉग बना रहे हैं। हम आपको थोड़ा फाउंटेन के बारे में दिखा देते हैं, देख सकते हैं फाउंटेन में कितना अच्छा फूल लगा हुआ है। और वहाँ पे आप जो पीछे देख रहे हैं वो है कैंटीन जहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं और एनर्जी प्राप्त करते हैं। दोस्तों ये है अपना हवेली जहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी करते हैं। ये है कुछ फूल जहाँ अगर आप इसको तोड़ लेते हैं गलती से आपको लग सकता है 500। एक गाना सुने होंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में, ले 500। तो दोस्तों अब हम प्रवेश करने वाले हैं अपने कॉलेज में, तो चलिए फिर कॉलेज प्रवेश करने से पहले प्रणाम कर लेते क्योंकि ये शिक्षा का स्थान है जहाँ पे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं और कुछ और भी। जोश सांसों में तुमा, ये है अपने कॉलेज की दुनिया, पढ़ना लिखना तो चलता ही रहेगा, ऐश तो कर कोई कुछ नहीं कहेगा, यहाँ आके बस बिंदास हो जाओ, ऊपर वाली छत पे घर पे लड़ाओ। दोस्तों ये यहाँ का प्लेसमेंट, और यहाँ पे कुछ कंपनियाँ आती है जो बच्चे को प्लेसमेंट देती है, तो आप यहाँ पे देख सकते कुछ लड़के लड़कियाँ भी है जिनका फोटो लगा हुआ। और इस कॉलेज का नाम हम आपको बोले थे जो बाद में बताएंगे, इस कॉलेज का नाम गांधी इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्री कर चुके हैं। और कॉलेज में एंट्री करते हैं आप देख सकते पहले ही प्रिंसिपल का ऑफिस आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते वहाँ पे प्रिंसिपल रहते हैं, तो वहाँ पे हम जा नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ पे सीढ़ी के माध्यम से ऊपर निकल जाते हैं। दोस्तों अब हम घुसने वाले हैं सेंट्रल लाइब्रेरी में जहाँ पे बच्चे किताब लेके पढ़ते हैं या कुछ और करते हैं, वो आपको दिखाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये बच्चे जो यहाँ पे किताब के पढ़ ही नहीं रहे हैं और मोबाइल चला रहे हैं, और वो बच्चे देख सकते हैं यहाँ पढ़ भी नहीं रहे हैं किताब चला रहे हैं, और ये बच्चे साले ये तो सो चुके हैं। ओ भाई उठ जा। और ये टोपी वाले भैया फोटो एडिट कर रहे हैं, और ये भाई फ्री फायर खेल रहे हैं। इस पे देख सकते हैं ये अभी तो चैटिंग कर रहा है, बाद में क्या करेगा पता नहीं, और ये भैया थोड़ा हंस रहे हैं। दोस्तों हम यहाँ पे आप सेंट्रल लाइब्रेरी से निकल चुके हैं और हम आपको ले जाते हैं वर्कशॉप लैब एमई लैब जहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। दोस्तों हम यहाँ वर्कशॉप लैब आए थे जहाँ पे ताला लगा हुआ, देख सकते हैं आप ताला लगा हुआ जिसके कारण हम अंदर नहीं जा सकते, नहीं तो आपको हम अंदर का दृश्य दिखाते हैं जहाँ पे इंजीनियर लोग क्या क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, क्या करते हैं।
दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ग्रिल लगा हुआ है क्योंकि उधर गर्ल हॉस्टल है और हम उधर नहीं जा सकते यहाँ पे। अब हम आपको कॉलेज से फिर से आपको कैंपस दिखाने वाले हैं, तो देख सकते हैं मैकेनिकल लैब है, उसके बाद कंप्यूटर सेंटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, देख सकते हैं यहाँ पे पानी चल रहा है वो नहीं वो भी दिखा देते आपको। हाँ पानी चल दोस्तों ये है कॉलेज का ऑडिटोरियम जहाँ पे ताला लगा हुआ है, कल नया साल है तो ये सारा कुछ बंद है। आप यहाँ देख सकते हैं सेमिनार हॉल है जहाँ पे फाइनली दोस्तों यहाँ पे कॉलेज घूम लेने के बाद अब बचा है कॉलेज का मेरा क्लासरूम और कुछ डिप्लोमा ऑफिस, तो हम आपको वो दिखा देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे योगा होता है, यहाँ पे बच्चों को योगा सिखाया जाता है और योगा कराया जाता है। तो चलिए हम आपको ले चलता हूँ अपने क्लासरूम में जहाँ पे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। चैम्बर और फैसिलिटी चैम्बर, उसके बाद बगल में यहाँ पे ऑफिस है जहाँ पे कंटेंट रुपया रुपये जमा होता है। तो अब इधर है मेरा क्लासरूम है, तो हम चलते हैं क्लासरूम। इसी का मेरा लास्ट क्लास था इसलिए एक बच्चे ने यहाँ पे देख सकते हैं गुड बाय 21 वेलकम 22 यहाँ पे लिख के गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी कोई बच्चे नहीं है, नहीं तो आपको बच्चे से मिलवाते हैं। यहाँ पे छुट्टी हो चुका है, कॉलेज में छुट्टी हुआ है इसलिए हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं। तो ब्लॉग कितना के लिए आपको एक लाइक तो जरूर करना। फाइनली हम यहाँ गर्ल हॉस्टल के पीछे आ चुके हैं, अब इधर से आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो 10,000 फाइन और यहाँ पे सस्पेंड भी। दोस्तों कॉलेज का कैंपस टूर करा रहे हैं तो आपके लिए एक लाइक तो बनता है, और अभी चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आगे भी मिलने वाली है। दोस्तों अगला जो ब्लॉग आने वाला है वो भुवनेश्वर ब्लॉग है, जो भुवनेश्वर सर इतना अच्छा सिटी है वहाँ पे हम आपको जाके दिखाएंगे जो वहाँ पे क्या क्या फेमस है नहीं है, ये सारे दोस्त रहेंगे जो आपको भुवनेश्वर के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम आपको पहले कॉलेज का टूर करवाते हैं उसके बाद थोड़ा भुवनेश्वर के बारे में। देख सकते हैं हम सबसे टॉप पे आ चुके हैं, ये कॉलेज का जो फ्लोर है और छठवें फ्लोर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिफ्ट खुल गई है। हम लोग यहाँ पे इसी लिफ्ट में अब जाके नीचे कॉलेज में नीचे जाएंगे क्योंकि यार सीढ़ी इतना नीचे है कि हम लोग थक गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर फ्लोर पे है हम लोग, बस हम यहाँ पे लिफ्ट में घुस चुके हैं, अब लिफ्ट नीचे चलने वाली है तो हम लोग यहाँ पे मोबाइल बंद कर लेते हैं नहीं तो लिफ्ट रुक गई। तो हम पूरा कॉलेज आपको दिखाकर ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं, अब हम आपको दिखाने वाले हैं कैंटीन और बाहर का जो पार्क वर्क है वो नजारा और जो खेलकूद का मैदान है वो आप दिखाने वाले हैं। तो चलिए आप दिखाते हैं आपको कैंटीन और बाहरी जो कॉलेज का नजारा है वो थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद आप हम देख सकते हैं हम पहले शुरू में ही आपको दिखा चुके हैं वहीं पे हम आ चुके हैं, अब यहाँ पे हम चलते हैं कॉलेज। तो दोस्तों हम यहाँ पे कॉलेज के बाहर आ चुके हैं और कॉलेज के बाहर आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है, वहाँ पे बास्केटबॉल खेला जाता है, हम आपको वहाँ पे पास में ले जाते हैं और दिखाते हैं वहाँ पे बास्केटबॉल का। ऊपरी नज़ारा जहाँ पे हम फ्लोर पे चढ़े थे आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसी फ्लोर पे हम लोग चढ़े थे और ये बाहरी परत है जहाँ से हम आप लोग हॉस्टल जाएंगे, कैंटीन जाएंगे और कैंटीन आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों ये है अपना सेंट्रल कैंटीन जहाँ पे हम लोग खाना खाने आते हैं, तो चलिए दोस्तों हम अंदर आपको ले चलते हैं और दिखा। दोस्तों हम आ चुके हैं अब हॉस्टल आने के बाद हम लोग थोड़ा खाएंगे और उसके बाद सोएंगे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं यार, चलते थक गए हैं। आपको बस एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आगे भी मिलता रहे। तो चलो दोस्तों अभी के लिए बाय।